हेलो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग और वीडियो के साथ में। और इस वाली वीडियो में देखो यार, आप सभी के लिए काफ़ी दुखद भरा समाचार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख भरी न्यूज़ है। मतलब देखो यार, पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। अब इसका क्या रीज़न है, क्यों है, क्या फिर यार ये जो ऐप है ये फिर से अनबैन होगा इंडिया के अंदर, तो सब कुछ यार इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो यार, सबसे पहली बार आती है कि यहाँ पर जो IT मिनिस्टर है, IT गवर्नमेंट है अपने इंडिया की, उसने 120 ऐप फिर से बैन किए। मतलब पहले जो टिकटॉक और ये सब ऐप बैन हुए थे तो उसमें काफ़ी पबजी लवर्स खुश हो गए थे कि हाँ यार, मतलब पबजी बैन नहीं हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन अब ना IT मिनिस्टर के द्वारा जो 120 ऐप बैन हुए हैं उसमें पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों के साथ, दोनों को मिला के 120 ऐप्स बैन हुए हैं इंडिया के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों हुआ है, पहले बैन क्यों नहीं हुआ और अब बैन क्यों नहीं हुआ है, तो देखो इसका सीधा रीज़न है जो पबजी PC है। मतलब पबजी जो एक पूरी कंपनी, पूरा जो गेम है वो है साउथ कोरियन गेम, मतलब ये कोरिया का गेम है पबजी PC। लेकिन जो पबजी मोबाइल है वो यहाँ पर आता है Tencent की तरफ से, और Tencent जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है। तो यहाँ पे देखो सीधा इस पूरे गेम के अंदर चाइना का झोल है जो भी है, तो इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। सीधी सी बात है, अब पबजी मोबाइल नहीं चलेगा। मतलब अभी अगर आपके फ़ोन में अगर आप पबजी मोबाइल ऑन करोगे तो अभी आपका पबजी मोबाइल चल सकता है, आज एक दो दिन तक, मतलब वो चलेगा, अभी भी चल सकता है क्योंकि मेरा भी चल रहा है और बहुत सारे लोगों का चल रहा है। लेकिन वो बहुत जल्दी हट जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब आप प्ले स्टोर से, जिस तरह से टिकटॉक हटा था, टिकटॉक और पिछले जितने भी UC ब्राउज़र वगैरह जितने भी एप्स जो प्ले स्टोर से रिमूव हुए थे, जो बैन हुए थे इंडिया के अंदर, सिमिलर वैसे ही पबजी मोबाइल भी हट जाएगा एक दो दिनों के अंदर। लेकिन अब यार यहाँ पे बात आती है कि क्या पबजी मोबाइल रिकवर हो सकता है, तो देखो यार इसके चांस है, मे भी मेरे को लगता है कि हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की जो यूथ है ना, उसमें बहुत सारे लोग है, जो स्ट्रीमर है बहुत सारे, उनका मतलब देखा जाए तो उनका घर पबजी मोबाइल से चलता है, वो स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और पबजी मोबाइल एक बहुत बड़ी कंपनी है यार, ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह एक बार टिकटॉक बैन हुआ था बहुत पहले, उसके बाद ऑटोमेटिक टिकटॉक रिकवर भी हो गया था, तो यहाँ पर थोड़े बहुत चांस है। मैं मतलब शोर के साथ नहीं बोल सकता हूँ, श्योरिटी के साथ में, या फिर आगे भी कुछ न्यूज़ आएगी तो उसमें पता चलेगा। तो हाँ, हो सकता है कि ये रिकवर हो जाए, मतलब अनबैंड कर दे इसको, फिर से पबजी मोबाइल आ जाए थोड़े टाइम के बाद में। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो बात ऐसी है कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। तो बस अगर आप सोच रहे होंगे कि अपने चैनल पर अब क्या आएगा, तो हम फॉल फ्लैट खेलेंगे, हम मजे लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, पबजी आएगा तो फिर पबजी खेलेंगे बस। तो गाइस यही था यार आज की न्यूज़ में, मेरे को आपको बताना था, नोटिफाई करना था कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। तो बस दुखी हो जाओ आप, खुशी भी हो जाओ, जो भी होना है वो हो जाओ। बस यार हम मिलते हैं अगले वाले गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।